हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी 2.0 में। आज मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं को देखेंगे। बाघ की गुफाएं स्थान धार जिले में स्थित है और तहसील कुची है। नदी बाघन नदी है। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। बाघ की गुफाएं शताब्दी 5वीं और 7वीं शताब्दी के समय और खोजकर्ता डेंगर फील्ड ने की थी 1818 में। और बाघ की गुफाएं गुप्त काल के समय से संबंधित हैं। और बाघ की गुफाओं में कुल गुफाएं 9 थीं, जिसमें से शेष 5 गुफाएं बची हुई हैं। तो गृह प्रवेश गुफा, पंच पांडव गुफा, हाथी खाना गुफा, रंग महल गुफा, पाठशाला गुफा। और बाघ गुफा के चित्रों को बौद्ध चित्रकला का प्रमाण कहते हैं। ये पेंटिंग फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहलाती है। बाघ की गुफाओं में जो पेंटिंग है इसे फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहती हैं। और जो बाघ की गुफाओं में विरह में पड़ी स्त्री के चित्र बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। मुरैना में 2 गुफाएं हैं। लिखी छाछ मुरैना में, पहाड़गढ़ की गुफा भी मुरैना में। और रायसेन में राम छज्जा की गुफाएं रायसेन में है। पन्ना में हाथी डूला गुफा है। सिंगरौली में मांडा की गुफाएं या मारा की गुफाएं हैं। प्रेमशाही गुफा नरसिंहपुर जिले में स्थित है। और हिंडिम्बा गुफा जबलपुर जिले में स्थित है। महादेव शैलाश्रय, मामा भांजा गुफा और बूढ़ी माई की गुफा नर्मदापुरम जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम होशंगाबाद था। अनूपपुर जिले में सिलहरा गुफा स्थित है। शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। और काजल रानी की गुफा भी खंडवा में स्थित है। भरतहरी की गुफाएं जिला उज्जैन में स्थित है। भरतहरी की गुफा रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सारूमारी की गुफाएं सीहोर में है, पनगुड़ारिया तहसील बुधनी। मेघेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। और धमनार की गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित है। और बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा जिला रायसेन जिले में स्थित है। और काल मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल तक भीमबेटका की गुफाओं में 600 से अधिक शैलचित्र थे और 275 गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं शैलचित्रों के कारण ही प्रसिद्ध है। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। और भीमबेटका की गुफाओं में फरवरी 2021 में यहाँ से डिक्थीसोनिया नामक जीवाश्म खोजी गई हैं। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर बाकरकर ने की 1957 से 58 के मध्य। और लोहानी की गुफाएं धार जिले में स्थित है। और धर्मराजेश्वर गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का रावण कालीन इतिहास। यह सभी चित्रकूट में स्थित है। भरतकूप, भरत मिलाप, सीता रसोई घर, सीता कुंड,
लक्ष्मण कुटी चित्रकूट सतना जिले में स्थित है। हनुमान पहाड़ी सती अनुसुईया आश्रम भी चित्रकूट में। सबरी माता आश्रम अनूपपुर जिले में स्थित है। दंतकारण्य वन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ऋषि वाल्मीकि का आश्रम तवंश नदी टोंस के किनारे और लवकुश की जन्म स्थली माना जाता है। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट की छोटी मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट स्थित है। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी नदी भी बहती है। चित्रकूट में कादमगिरी पर्वत और रामजी पर्वत भी स्थित है। राम वन गमन पथ, राम जहां 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 से गुजरे थे उस जिले चित्रकूट, मैहर, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, दंडकारण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका गए थे। कालिदास की रचना रघुवंशम में राम जी के पुत्र लव का राज्य विदिशा व कुश का राज्य वागील खंड में बताया। सीता माता का मंदिर देवास जिले में स्थित है। इन गुफाओं का एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। बाकी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी और स्थान जिलाधार जिले में स्थित है। नदी वाघ नदी या वाघ नदी और शताब्दी पांचवीं सातवीं शताब्दी खोजकर्ता डेंगरफील्ड 1818 में खोज की थी। बाकी गुफाओं में कुल गुफाएं 9 हैं। बाकी गुफाओं में कुल गुफाएं 9 थी। जो शेष 5 बची हुई हैं वे गृह प्रवेश गुफा, पंच पांडव गुफा, हाथी खाना गुफा, रंगमहल गुफा, पाठशाला गुफा और बाघ की गुफा के चित्रों को बौद्ध धर्म की चित्रकला का प्रमाण कहते हैं। और जो बाघ की गुफाओं में चित्र पेंटिंग हैं, जो चित्र अंकित हैं, उन्हें फ्रेस्को मुगल पेंटिंग भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, बिलुवा की गुफाएं धार जिले में स्थित है। धमनार की गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित है। और रामछज्जा की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। मिगननाथ की गुफाएं भी रायसेन जिले में स्थित है। सारू मारू की गुफाएं सीहोर जिले में स्थित है। और तहसील बुधनी तहसील है, इन्हें पनगुड़ारिया की गुफाएं भी कहा जाता है। भरथरी की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित है। भरथरी की गुफाएं रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर खंडवा में, काजल रानी की गुफाएं भी खंडवा में, और प्रेम शाही गुफा नरसिंहपुर जिले में है। हिंडिम्बा गुफा जबलपुर में है। महादेव सैलासा मामा भांजा गुफा और बूढ़ी माई की गुफा नर्मदापुरम में है। हाथी डोला गुफा पन्ना जिले में स्थित है। और सिंगरौली में मारा की गुफाएं, मांडा की गुफाएं और लिखी छाज मुरैना में। पहाड़गढ़ की गुफाएं भी मुरैना जिले में स्थित है। सिलहरा गुफाएं अनूपपुर जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। और इन्हें 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो 600 से अधिक चलचित थे आदि मानव के आशा स्थल के लिए जाना जाता है भीमबेटकाओं की गुफाओं को। और भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाओं में 2021 में यहाँ से डिक्थ सोनिया नामक जीवाश्म खोजा गया है। धर्म राजेश्वर की गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित है। लोहानी की गुफाएं धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का रावण कालीन इतिहास, यह सब चित्रकूट जिले में स्थित है। भरत मिलाप मंदिर, सीता रसोई घर, सीता कुंड, लक्ष्मण कुटी चित्रकूट सतना जिले में है।
हनुमान पहाड़ी, सती अनुसुईया आश्रम, सबरी माता आश्रम अनूपपुर जिले में है, दंडकारण्य वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में। ऋषि वाल्मीकि आश्रम तमसा नदी टोंस के किनारे स्थित है और लवकुश की जन्म स्थली। भगवान राम भगवान राम के जन्म भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे और चित्रकूट छोटी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित थे। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी नदी बहती है। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत और रामजी पर्वत है। भगवान राम चित्रकूट, सतना, मैहर, पन्ना और अमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, दंडकारण्य, आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका गए थे। इनमें जिला सतना, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर से होते हुए गए थे। कालिदास की रचना रघुवंशम में राम जी के पुत्र लव का राज्य विदिशा था व कुश का राज्य बघेलखंड को बताया। सीता माता मंदिर देवास जिले में स्थित है। महाभारत के समय का काल। विदिशा का प्राचीन नाम दशानन था। चेदी बुंदेलखंड राज्य को कहा जाता था और करुस प्रदेश बघेलखंड को कहा जाता है। चंदेरी अशोकनगर और वत्स ग्वालियर को कहा जाता है। अनुपदेश निवाड़ क्षेत्र को कहा जाता है। इन सभी शासकों ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। चंदेरी के राजा शिशुपाल, महेशपति, विदर्भ आदि राजाओं ने कौरवों का साथ दिया था। सुहागपुर शहडोल को महाभारत प्राचीन कालीन विराट नगरी कहते हैं। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। जो मुरैना की आसन नदी में कुंती ने कर्ण को बहा दिया था। मुरैना जिले का कुंतवार या कुंतलपुर महाभारत कालीन स्थल है। पांडवों की माता कुंती कुंतवार की थी। कुंतवार कुंती का मायका है। महाभारत काल में चंबल नदी को पूर्णा कहा गया। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। पांडव और गाथा जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है। पचमढ़ी वह नीमावर देवास जिले में स्थित है और क्षेत्र पांडवों से संबंधित है। नर्मदापुरम और जबलपुर महाजनपद काल। महाजनपद बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देश की सबसे बड़ी महाजनपद मगध थी जो बिहार में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी महाजनपद अवंती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी जो केन नदी और यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। क्षेत्र था बुंदेलखंड क्षेत्र। अवंती महाजनपद का क्षेत्र मालवा एवं निवाड़ था और नदी मालवा में चम्बल प्लस छिप्रा नदी थी और निवाड़ में नर्मदा नदी बहती थी। और अवंती की 2 राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी अवंती थी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। महाजनपद काल में 2 जनपदों की सीमा का निर्धारण नदियों द्वारा किया जाता था। अवंती और चेदी महाजनपदों की सीमा का निर्धारण बेतवा नदी व मालव नदी या वेतवती नदी के द्वारा होता है। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय
अवंती के राजा चंद्रप्रगुप्त थे। बौद्ध काल में अवंती का नाम अच्युत गामनी था। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक केंद्र तथा साहित्य व विज्ञान का केंद्र कहा गया है। अवंती से मथुरा जाने का प्रसिद्ध रेशम व्यापारिक मार्ग था। अवंती से मथुरा जाने का मार्ग प्रसिद्ध था रेशम व्यापारिक मार्ग के लिए। अवंती महाजनपद नंदीवर्धन। अवंती में प्रगुप्त वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अवंती महाजनपद मालवा अनुप्रदेश निवाड़ क्षेत्र था। वत्स ग्वालियर वाला क्षेत्र, नरवर शिवपुरी वाला क्षेत्र था। महाजनपद काल में अवंती पर मालवा मालव जाति का निवास रहा। इसी के नाम पर मालवा का नामकरण किया गया। अवंती महाज निम्न में एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवंती का राजा नहीं रहा? तो नंदीवर्धन अवंती का राजा रहा, चंद्रप्रगुप्त भी अवंती का राजा, विक्रमादित्य भी अवंती का राजा रहा, सम्राट अशोक अवंती के राजा नहीं रहे क्योंकि अवंती महाजनपद पर अशोक का शासन भी रहा है। अशोक अवंती का राजा नहीं था, यह केवल अवंती का राज्यपाल या प्रांतपाल था। चेरी महाजनपद क्षेत्र बुंदेलखंड था। राजधानी सुक्तमती थी। नदी यहाँ से नदियाँ केन नदी और बैतवा नदी निकलती थी। प्रमुख जनपद चंदेरी सुखनगर था और टुंडीकोर दमोह वाला क्षेत्र था। इसके बाद पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख राजवंश जो मौर्य वंश और शुंगवंश, सातवाहन वंश, इसका एक बार और रिवीजन करते हैं। महाभारत काल के समय दर्शन विदिशा को कहा जाता था। चेदी बुंदेलखंड को, करुष प्रदेश बघेलखंड को, चंदेरी अशोकनगर, वत्स ग्वालियर अनुपदेश निवाड़ वाला क्षेत्र, इन सभी राजाओं ने महाभारत में भाग लिया था युद्ध में। चंदेरी के राजा शिशुपाल, महेशमती, विदर्भ आदि राजाओं ने कौरवों का साथ दिया था। सुहागपुर शहडोल को महाभारतकालीन विराट नगरी कहते हैं, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। मुरैना की आसन नदी में कुंती ने कर्ण को बहा दिया था। मुरैना जिले में कुंतवार या कुंतलपुर महाभारतकालीन स्थल है। पांडवों की माता कुंती कुंतवार की थी। कुंती का मायका था कुंतवार। महाभारत काल में चंबल नदी को पूड़ा कहा गया है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले, पांडव व गाथा गुफाएं जलप्रपात पन्ना जिले में, पचमढ़ी और नीमावर देवास में, क्षेत्र पांडवों से संबंधित है। महाजनपद काल बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख। देश का सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद था जो बिहार में स्थित थे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा महाजनपद अवंती महाजनपद था। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी और क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र का। केन नदी और बैतवा नदी यहाँ से बहती थी। अवंती महाजनपद मालवा क्षेत्र और निवाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार था और इसकी दो राजधानी थी। दक्षिण उत्तरी राजधानी अवंती, दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। और अवंती महाजनपद से मालवा क्षेत्र में चिपरा और चंबल नदी बहती थी, निवाड़ क्षेत्र में नर्मदा नदी बहती थी। महाजनपद काल में दो जनपदों की सीमा निर्धारण नदियों के द्वारा होता था। अवंती और चेदी महाजनपद की सीमा का निर्धारण बैतवा नदी करती है, बैतवती नदी द्वारा होता है। अवंती महाजनपद की दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की महेशमती थी। गौतम बुद्ध के समय अवंती के राजा चंद्रप्रगुप्त थे। बौद्ध काल में अवंती का नाम अच्युत गामनी था। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग,
व्यापारिक केंद्र तथा साहित्य व विज्ञान का केंद्र कहा गया। अवंती से मथुरा जाने का प्रसिद्ध मार्ग रेशम मार्ग था। नंदी वध अवंती में प्रगोद वंश का अंतिम शासक था। अवंती महाजनपद मालवा अनुपदेश बस ग्वालियर वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। महाजनपद काल में अवंती पर मानव जाति का निवास रहा, इसी कारण से मालवा का नामकरण किया गया। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवंती का राजा नहीं रहा? तो नंदी वध राजा रहे, चंद्रप्रगोद राजा रहे, विक्रमादित्य भी अवंती के राजा रहे, सम्राट अशोक अवंती के राजा नहीं रहे। अवंती महाजनपद का अशोक का शासन भी रहा। अशोक अवंती महाजनपद का राजा नहीं था, यह केवल राज्यपाल या प्रांतपाल था। चेदी महाजनपद क्षेत्र बुंदेलखंड और इसकी राजधानी सुकमती थी। नदी के नदी पर नदी बहती है। प्रमुख जनपद चंदेरी अशोकनगर में और तुंडीकोट दमोह में स्थित है।